जी स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको हम आमतौर तौर पे एन भी बोलते हैं पीएनएस जो होता है वो कंपोजिशन uh, शो करता है किसके ऊपर नर्व्स एंड गिया के ऊपर गेंगलिया क्या होते हैं गेंगलिया जो होते हैं वो क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज़ होते हैं जिनके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन पाई जाती है मतलब क्लस्टर ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इन्वाल्व बाय अ मेम्ब्रेन उससे हम क्या बोलते हैं गेंगलिया बोलते हैं और नर्व क्या होती है जी नर्व बच्चे क्या होती है क्लस्टर ऑफ एक्सॉन्स कवर्ड बाय लिपिड लेयर उसे हम नर्व बोलते हैं जी पेरिफेरल नर्व सिस्टम की अगर की तरफ अगर चलें तो इसमें जो नर्व पाई जाती हैं टू टाइप्स ऑफ नर्व पाई जाती हैं द फर्स्ट वन इज क्रेनियन नर्व क्रेनियन नर्व जो होती हैं वो क्रेनियम यानी ब्रेन से निकलती हैं और ह्यूमन में इसके ट्वेल्व पेयर होते हैं नर्व्स के और इनमें जो नर्व की टाइप्स शामिल होती हैं वो सेंसरी होती हैं मोटर होती हैं और मिक्सड नर्व होती हैं जबकि स्पाइनल नर्व जो कि सेकेंड कैटेगरी है ये स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं और ये सारी की सारी इनमें ना सेंसरी होती है ना मोटर होती है ये सारी मिक्स्ड नर्व्स होती हैं और अगर आप डायग्राम में ज़रा देखें जो ब्रेन से निकल रही हैं उन्हें क्रेनिया नर्व्स बोलते हैं और ये ट्वेल्व होते हैं पेयर ह्यूम्स में और नीचे देखें जो स्पाइनल कोड्स से पूरी बॉडी में ग्रेनिश फैली हुई है नर्व वो सारी की सारी क्या हैं जी स्पाइनल नर्व्स हैं और इसके थर्टी वन पेयर होते हैं ह्यूमन में जी पेफरल नर्व सिस्टम में जो नर्व जो हैं वो पाथवे फॉलो करती हैं वो कुछ ये हैं फर्स्ट वन जो है सेंसरी पाथवे ये वो पाथवे होता है जो कि मूव यहाँ पर मैसेज जो है या इम्पल्स जो है वो मूव करती है कहाँ से रिसेप्टर से सी तक जी यहाँ पे मैं रिपीट करती हूँ सेंसरी जब हमारा लेक्चर लास्ट हुआ था तो सेंसरी नर्व्स के बारे में मैंने बताया था ये वो नर्व्स होती हैं जो रिसेप्टर से मैसेज लेती हैं और और सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कोर्डीनेटर्स तक पहुँचाती हैं तो सेंसरी पाथवे वो पाथवे होता है जिसमें इम्पल जो है हमेशा रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाती हैं जबकि मोटर न्यूरॉन मोटर पाथवे में जो मोटर न्यूरोस हैं ये वो पाथवे होता है जिसमें कंडक्शन होती है इम्पल्स की कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर तक यानी सी एन एस टू इफेक्टर तक अगर आप ये देखें तो यहाँ पे जो आपको ब्लू ग्रीनिश जो हैं वो न्यूरॉन्स नज़र आ रहे हैं ये कौन सा सेंसरी पाथवे फॉलो करते हैं स्किन से मैसेज यानी स्किन क्या है टच ए, टच के लिए इसमें रिसेप्टर होते हैं यहाँ से मूव कर रहा है इम्पल्स और कहाँ पे जाएगा सेंटर में जाएगा और वहाँ से मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जो है वो मसल्स तक जाएगा मैसेज कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना है या रिलैक्स करना है तो खैर मोटर पाथवे जो है वहां से इम्पल जाती हैं कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर तक जी नर्वस सिस्टम में जो हम डिस्कशन करेंगे जिस सिस्टम के ऊपर वह है मोटर पाथवे मोटर पाथवे की फर्दर आगे टू टाइप्स हैं जिसमें जिसको हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते जाएंगे सबसे पहले सोमेटिक नर्वस सिस्टम सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है सोमेटिक सेल्स भी हमारी बॉडी सेल्स जो होते हैं सोमेटिक सेल्स बोलते हैं और बॉडी सेल्स जो कि स्केलेटर मसल होते हैं सबसे ज़्यादा वो हमारे अंडरविल काम करते हैं क्योंकि ये ये जो नर्वस सिस्टम का पार्ट है सोमेटिक नर्वस सिस्टम ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए वलेंट्री एक्शन के लिए ऐसे एक्शन जो हमारे अंडरविल काम करते हैं और ये इसलिए इसको नाम सोमेटिक नर्वस सिस्टम दिया गया है इसमें मोटर न्यूरॉन्स जो होती हैं वो इम्पल्स का इंडक्शन करती हैं सी एन एस टू स्केलेटन मसल स्केलेटर मसल वो मसल होते हैं जो हमारे स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं और उनकी मूवमेंट जो होती है वो हमारी अंडरविल काम कर रही होती है यानी हम अपनी मर्जी से मसल्स को कंट्रैक्ट या रिलैक्स करवाते हैं जी नेक्स्ट देखिएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सोमेटिक नर्व नर्वस सिस्टम के बाद जो नेक्स्ट है दैट इज़ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऑटोमिन इट सेल्फ ऑटोनॉमिक आटोमेटिक से है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो एक्टिविटीज़ जो हमारे अंडर कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होती हैं मतलब वो खुद ब खुद होती रहती हैं और मोटोन्यूरोस जो हैं ये इम्पलसि सेंड करता है किस किस को जी कार्डिक मसल को यानी हार्ट बीट खुद प्रोड्यूस होती रहती है हम करें ना करें हार्ट बीट होती रहती है स्मूद मसल्स ये हमारी डाइज डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो मसल कंट्रैक्ट करता है रिलैक्स करता है और ग्लैंस खुद ब खुद हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं हमारी मर्जी से हार्मोन्स जो हैं वो कम या ज़्यादा सिक्रीशन प्रोड्यूस नहीं करते हैं जी पर्फ नर्वस सिस्टम आगे देखिएगा हमने सोमेटिक नर्वस सिस्टम पीछे पढ़ा सेकंड टाइप जो पढ़ी वो ऑटोनॉमिक पढ़ी अब फर्दर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की टू टाइप्स हैं जिसमें फर्स्ट वन जो है हम डिस्कस करने लगे हैं ज़रा वो है जी सिम नर्वस सिस्टम जो है वो देखेंगे हम सबसे पहले ये सिस्टम प्रिपेयर करता है आपकी बॉडी को एमरजेंसी कंडीशन के लिए सिचुएशन के लिए जैसे इसको आमतौर पर इस सिचुएशन को आमतौर पर कहा जाता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स मतलब अगर आपको कोई ऐसी कंडीशन है जो कि आपके लिए बिल्कुल सडन कंडीशन है उस सिचुएशन में एमरजेंसी कंडीशन है उस सिचुएशन में ह्यूमस के ट्रू बिहेवियर होते हैं या तो वो वहाँ से स्केप कर जाएगा उस सिचुएशन से पीछे हट जाएगा या फिर वो सामने खड़ा डट के उसका मुकाबला करेगा तो इस रिस्पॉन्स को फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स बोला जाता है ये आमतौर पर एमरजेंसी सिचुएशन में ये सिस्टम फौरी तौर पर ले एक्शन जो है लेता है ताकि बॉडी जो है वो फ़ौरन से तैयार हो जाए एमरजेंसी कंडीशन के लिए जैसे आपकी एमरजेंसी कंडीशन में आपकी पीपल डायलेट कर जाती हैं आंखें हेट से खुल जाना जिसे बोलते हैं आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है और इसके अलावा आपका जो ब्रीदिंग रेट है वो भी इंक्रीज़ कर जाता है इसके अलावा आपकी डाइजेशन जो है वो इनहिबिट कर जाती है क्यों इनहिबिट कर जाती है एक्चुअली जो है सर्कुलेशन जो होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ वो कम होना शुरू हो जाती है जी नेक्स्ट देखिएगा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम ये सेकंड होता है जब स्ट्रेस कंडीशन एंड कर जाती है तो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो उसको नॉर्मलाइजेशन की तरफ लेके जाता है यानी आ, हमारे जो हमने प्रीवियस पढ़ा वो इमरजेंसी कंडीशन के लिए तैयार करता है जबकि यहाँ पर अगर हम देखें पैरासीफैथिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो आप, आपकी बॉडी को नॉर्मलाइजेशन की तरफ लेके जाता है जब स्ट्रेस कंडीशन जो हैं वो एंड कर जाती हैं इससे क्या होता है पीपल जो है नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट करती है नॉर्मल साइज़ पर आ जाती है डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है हार्ट बीट जो है नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाती है और आपके ब्रीदिंग रेट जो है वो भी आहिस्ा आहिस्ता नॉर्मल होना शुरू हो जाता है जैसे कि सिक्सटीन टू ट्वेंटी पर मिनट जो है हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग रेट होता है जी अब नेक्स्ट देखिएगा रिफ्लेक्स एक्शन है हमारा नेक्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्स एक्शन में सबसे पहले देखिएगा सम टाइम ऐसा होता है कि इनवलेंट्री रिस्पॉन्स होते हैं जो कि सी एन एस प्रोड्यूस करता है बड़ी तेज़ी के साथ रिस्पॉन्स दिया जाता है ऐसे ज, ऐसे रिस्पॉन्स दिए जाते हैं जो कि हमारी जो है वो हम सोच समझ के नहीं करते खुद ब खुद जल्दी से हो जाते हैं इन रिस्पॉन्स को क्या बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन बोला जाता है टाइप्स ऑफ एक्शन देखिएगा रिफ्लेक्स एक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें टू टाइप्स होती हैं जिसमें सी एन एस जो है वो फौरी तौर पर इम्पल्स सेंड करता है मैसेज सेंड करता है मसल्स या ग्लैंड को जी वन देखिएगा जरा विलेंट्री एक्शन होता है इसमें क्या होता है कि इसमें जो एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं या रिस्पॉन्स दिया जाता है उसको हम वलन्ट्री एक्शन बोलते हैं और ये कॉन्शियस एक्शन होते हैं ये जो हम सोच समझ के कर रहे होते हैं यानी ब्रेन ही इसको कंट्रोल कर रहा होता है जैसे कि हम एक चलते हुए जाते हैं और एक टेबल से एक बुक उठा लेते हैं ये हमारा वलेंट्री एक्शन है कि हम जाते हैं और बुक उठाते हैं और उसको रीड करना शुरू कर देते हैं या कोई भी सोच समझ के काम करते हैं जैसे लाइट जल रही है तो अगर हम रूम में नहीं है तो हम जाके लाइट ऑफ कर देते हैं सेकंड देखिएगा सेकंड जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो होता है इन्वेलेंट रिएक्शन ऐसे एक्शन जो के हम हमारी अंडरविल काम नहीं कर रहे होते वो खुद ब खुद हो जाते हैं हम चाहे ना चाहे वो रिस्पॉन्स अचानक से हमारी बॉडी जो है वो शो कर जाती है इसमें क्या होता है कि जब हम ऐसे एक्शन परफॉर्म करते हैं तो मैसेजेस जो हैं इम्पल्स जो हैं वो रिसेप्टर से फौरी तौर पर सेंटर ऑफ ब्रेन हर सेंटर ऑफ ब्रेन की तरफ नहीं जाते हैं बल्कि ये स्पाइनल कोट की तरफ जाते हैं और वो स्पाइनल कोड जो है वो फौरी तौर पे वहाँ पे एक्शन प्रोड्यूस करती है और उसके बाद में उसकी रिपोर्टिंग जो है वो किसको की जाती है जी स्पाइनल कोट करती है ब्रेन को जैसे कि हार्ट बीट ब्लिंकिंग ऑफ आइस आप अपनी आँखों को झपकते रहते हैं चाहे आप इसको नोट करें ना करें चाहे ना चाहे आपकी आंखें खुद भी खुद ब खुद ही ब्लिंक करती रहती हैं जी रिफ्लेक्स एक्शन में आगे रिफ्लेक्स आर्क की डेफिनेशन है ये वो रास्ता जो नर्व इम्पल्स फॉलो करती हैं एक इनवलेंट्री एक्शन या वलेंट्री एक्शन को प्रोड्यूस करवाने के लिए वो पाथवे जो फॉलो करती हैं नर्व इम्पल्स की एक एक्शन रिस्पांस है बॉडी से उसको रिफ्लेक्स आर्क बोला जाता है जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है अगर हम किसी गर्म चीज़ को जैक को हाथ लगाते हैं तो हम अपना हाथ फोरन से पीछे खींच लेते हैं तो ये रिफ्लेक्स की एक एग्जाम्पल है जी जी यहाँ पे देखिएगा एक डायग्राम है जिसमें आपको ना ये रिफ्लेक्स एक्शन और आग का जो है वो थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा जी ए, क्या हुआ है कि अचानक से गर्म ऑब्जेक्ट को जो है वो आपने हाथ लगाया हॉट ऑब्जेक्ट को मतलब को उसके फिंगर टच हुई है एक और यहाँ पे क्या है सेंसरी रिसेप्टर आपकी फिंगर टिप्स पे क्या है सेंसरी रिसेप्टर्स हैं रेड कलर में आपको शो हो रहा होगा फौरन से मैसेज जा रहा है और ये मैसेज आ रहा है कहाँ पे ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड ग्रे मैटर से आगे जो है ये मैसेज वहाँ पर जो इंटर न्यूरोस होते हैं वो फौरी तौर पर क्या करते हैं इंटरसेप्ट करते हैं और उसको फौरी तौर पर रिस्पॉन्स देते है, हैं मैसेज भेजते हैं किसकी तरफ ब्लू कलर में जो लाइन्स आ रही हैं मोटर न्यूरोस की तरफ ये थोड़ा सा सेपरेट दिखाया गया है ये आपस में एक पॉइंट पर जाके जुड़ जाती हैं इसलिए इनको मिक्सड नर्व बोला जाता है मोटर न्यूरोन्स के थ्रू जो है वो मैसेज फौरी तौर पे आपके मसल्स की तरफ जाता है और मसल्स जो हैं वो क्या करते हैं फौरी तौर पे कंट्रैक्ट करते हैं और आपका हाथ पीछे की तरफ खींच जाता है ठीक है ये क्या है रिफ्लेक्स एक्शन की एग्जाम्पल है ये डायग्राम आपने ज़रूर प्रैक्टिस करनी है और इसको अच्छे से इस टॉपिक को बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिएगा ये बोर्ड में क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है